हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टार बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। तो आज है हैशटैग ब्राइडल ट्रूजो सीरीज एपिसोड 2, जिसमें मैं बात करूँगी आपसे फुटवेयर के बारे में कि आपको अपने ब्राइडल ट्रूजो में क्या क्या फुटवेयर रखनी चाहिए और किसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू। तो जहाँ फुटवेयर की बात आती है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें हील्स लेनी चाहिए, बट नहीं, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे आउटफिट कैसे हैं। ठीक है, हम क्या क्या आउटफिट ले रहे हैं, हम किस किस कलर के आउटफिट हमारे ब्राइडल ट्रूजो में जा रहे हैं, फिर वो चाहे सूट हो या फिर साड़ियाँ हों। ठीक है, तो अगर आप सूट ले रहे हो या साड़ी ले रहे हो तो उसमें कलर का तो कोई इशू नहीं होता, बट आप फिर ये सोचते हो कि हमें सूट के साथ कैसा फुटवेयर लेना है, मतलब क्या पेयरअप करना है, या फिर साड़ी के साथ हमें कैसा पेयरअप करना है। तो देखो, पहले हुआ करता था कि लोग सोचते थे कि हमें हील्स ही पहननी है, पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, बहुत इन हो चुका है जूतीज़ वेयर करना। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्यारा लगता है। मैं इवन खुद जूतीज पहनती हूँ, वो इतना अच्छा लुक लगता है। आप मैचिंग या कंट्रास्ट जूतीज वेयर कर सकते हो। तो मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊँगी भी कि आपको कैसे लेने हैं और किस कलर के लेने चाहिए, और दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि जो मैं अपनी ब्राइडल ट्रूजो में लेके आई थी वो आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। ठीक है, दिखाती हूँ। मैं जूतीज से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हील्स पे जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जूतीज की बात करती हूँ। जूतीज इतनी वर्सेटाइल होती है कि आप उसको सूट के साथ भी वेयर कर सकते हो और साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अपना पूरा ब्राइडल ट्रूजो को सेलेक्ट करने का प्रोसेस ही ऐसे हुआ कि मैंने सबसे पहले साड़ियों को देखा और सूट को देखा कि किस किस कलर की साड़ी और सूट है मेरे पास। ठीक है, फिर स्टार्ट किया कि मैंने अब फुटवेयर कैसे लेने हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास येलो कलर की साड़ी भी है, येलो कलर का सूट भी है, तो मैंने इस येलो कलर लहरिया प्रिंट है, लहरिया प्रिंट पे ये जूतीज ली। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से भी मैंने ये साड़ी, तो ये जूतीज ली थी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास फिर रेड कलर की साड़ी थी, या फिर ग्रीन कलर का सूट है आपके पास, इवन येलो कलर का भी सूट है, और उसमें अगर आपके रेड कलर से वर्क हो रखा है तो आप रेड कलर की भी जूतीज ले सकते हो, जैसा कि मैंने ये बांधनी प्रिंट पे ली थी। और ये सब बहुत अफोर्डेबल जूतीज हैं, और इतनी मैंने इसको पहन ली है फिर भी अभी तक बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छी जूतीज हैं। मैंने जिसके साथ ये रेड कलर की आपकी जूतीज जा सकती है, फिर वो चाहे सूट हो या फिर साड़ी। के बाद मैंने ये ग्रीन कलर की जूतीज ली थी, बहुत प्यारी जूतीज हैं। अगर आप गौर से देखो, मैं पास से दिखाती हूँ, इसमें कई सारे कलर से वर्क हो रखा है, मिरर वर्क हो रखा है इस पे पूरे पे, फिर चाहे वो स्काई ब्लू कलर का थ्रेड हो, पिंक कलर का हो, ऑरेंज कलर का हो, तो आप देख सकते हो इस पूरे में इस इतने सारे कलर हैं कि आप इसे अलग अलग कलर के आउटफिट के साथ पेयरअप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वर्सेटाइल फुटवेयर लेने चाहिए जो आप हर के साथ पेयरअप कर सको। लास्ट ये वाली जूती ली थी, जो कि पाउडर ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर आप जो कहते हो वो ले सकते हो। अब आप इसमें भी देख रहे हो कि इसमें आगे ग्रीन थ्रेड का वर्क हो रखा है। ठीक है, और उसके बाद बाकी तो इसमें मोतियों से हो रखा है, कई कलर से। तो आप चाहो तो इसको अपने गोल्डन आउटफिट के साथ पेयरअप कर सकते हो, डार्क ब्लू कलर के आउटफिट के साथ पेयरअप कर सकती हो, इवन ग्रीन कलर के आउटफिट के साथ भी पेयरअप कर सकती हो। ठीक है, तो आपने देखा कितनी वर्सेटाइल है ये सारी जूतीज। अपनी सेकेंड कैटेगरी पे, मतलब सेकेंड उस पे जो है एक हील्स, जो हर की फेवरेट होती हो और अपने ब्राइडल ट्रूजो पे हर एक लड़की ले जाना चाहती है। तो अब मैं आपको तीन तरह की हील्स दिखाऊंगी। मेरे पूरे ब्राइडल ट्रूजो में ज़्यादा आपने देखी 4-5 मैंने जूतीज ही ली थी, बहुत कम मैंने हील्स ली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा अपना स्टाइल क्या है, आप अपने स्टाइल के कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी हील्स की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जूती कम
हील्स की, इसको शायद ब्लॉक हील्स कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट हील्स हैं इसमें। ये हील्स मैंने ली थी और ये इतनी अच्छी हैं, इतनी सारी आउटफिट के साथ मेरे जा चुकी है। ये एक्चुअली मैंने अपने ब्राइडल ट्रूज़ों में रखने से पहले ही ले लिया था अपने रिंग सेरेमनी पे पहनने के लिए, क्योंकि मेरा आउटफिट ऐसा था तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा जाता। मैंने साड़ी वेयर की थी, तो ये आप देख सकते हो बेज कलर, पीच कलर की ये हील्स है, इतनी हील्स है। हाँ आई थिंक इसे ब्लॉक हील्स ही कहते हैं। तो ये हील्स मैंने इतनी हील्स ली थी, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कम ज़्यादा जो करनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। ये हील्स ली थी और ये जूती ऐसी है, ये जूती हील्स ऐसी है, जूती कम हील्स, कि आप इसको अपने साड़ी के साथ पेयर अप कर सकते हो, अपने सूट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो और ये बहुत अच्छे से जाती है। हाँ सिर्फ एक चीज़ आप कह सकते हो कि ये पीच कलर की है, तो आप एक काम करना, मैं बाद में इसी चीज़ को लेके थोड़ा रिग्रेट किया था कि ये मैंने पीच कलर में ली थी, आप चाहो तो इसको गोल्डन कलर में ले सकते हो या बेज कलर में ले सकते हो। वो क्या होगा, वो आपके हर आउटफिट के साथ जाएगा। इस ऑप्शन मैं एक कहूँगी आप थोड़ा हल्के बजट वाली ले सकते हो, कि आप उसे कभी भी, मतलब हर जगह आप ऐसे फैंसी हील्स तो पहन के जा नहीं सकते, तो कुछ इस टाइप की हील्स आप अपने ब्राइडल ट्रूज़ों में रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, मतलब आप इसको और भी तरीके से अपने वेस्टर्न वेयर में भी स्टाइल कर सकते हो। इसकी आप देख सकते हो इतनी है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें ऐसा सपोर्ट भी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हील्स है जो मैंने अपनी शादी पे वेयर किया था। हाँ जी, लहंगे के ऊपर और फिर साड़ी पे भी मैंने यही पहना था, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है फेरी के टाइम, तो उस पे भी मैंने यही पहना हुआ था। और ये इतनी प्यारी हील्स हैं, देख सकते हो आप, ब्लॉक हील्स हैं ये, ठीक है। और इस ये इतनी कंफर्टेबल भी हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गिरने विरने की। खादिम की है ये, मैं आपको सारे फुटवेयर के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो बस यही था मेरा ब्राइडल ट्रूज़ों का फुटवेयर का कलेक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो औरों को भी हेल्प करिए इस वीडियो को शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये सीरीज़ अभी और 2 एपिसोड बाकी हैं, तो मिस मत करिएगा और खूब सारा भर के शेयर करिए। तो चलिए अगली बार मिलती हूँ, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।